मूवी की स्टार्टिंग ब्लिंकी से होती है जो हमें एक कहानी सुनाता है कि आज से सैकड़ों सालों पहले इंसान और जादू की दुनिया के बीच जंग छिड़ गई थी, जिसमें एक तरफ थे इंसान और अच्छे ट्रोल्स और दूसरी तरफ थे बुरे ट्रोल्स जो सिर्फ तबाही चाहते थे। इसलिए शांति बनाए रखने के लिए उस समय के सबसे शक्तिशाली विजेट मर्लिन एम्ब्रोसियस ने एक एमुलेट बनाया जिसका नाम था ट्रोल हंटर एमुलेट। हजारों साल बीत गए और ट्रोल्स जमीन के अंदर छिपकर रहने लगे ऑर्किडिया ओक्स में। एक दिन वो जिम नाम के एक लड़के को मिल गया, तभी से जिम बुरे ट्रोल्स को मारता है और धरती और ट्रोल्स को बुरे ट्रोल से बचाता है। इस काम में उसकी मदद उसके फ्रेंड क्लेयर और टोबी भी करते हैं। इसके अलावा उनके साथ कुछ एलियन भी हैं जो उनका साथ देते हैं। लेकिन एक दिन तीन विजेट ने आकर उस एमुलेट को तोड़ दिया। उन विजेट्स में से एक विजेट जिसका नाम नारी था, उसने अच्छाई को चुना और लोगों की मदद करने लगी। उसी दिन से वो बाकी के दो विजेट नारी को ढूंढ रही है क्योंकि वो जेनेसिस का कुछ करना चाहती है, जिसका इस्तेमाल वो किस लिए करेंगे वो किसी को नहीं पता, पर वो किसी बुरे काम के लिए ही होगा। और अब दुनिया बहुत बड़े खतरे में है, लेकिन क्या जिम बिना एमुलेट के दुनिया को बचा पाएगा? फिर सीन नारी और डुक्सी पर शिफ्ट होता है जो ट्रेन में जा रहे होते हैं और उनके हाथ में एक पिंजरा होता है जिसमें एक बर्ड होती है जो कि असल में एक ड्रैगन होता है जिसका नाम आर्ची है। तभी वहाँ वो विजेट आ जाते हैं जिनके नाम बेलरोग और स्केल होते हैं। बेलरोग एक फायर विजेट है और स्केल एक आइस विजेट है। उनसे बचने के लिए डुक्सी अपनी छड़ी से स्केल और बेलरोग से लड़ने लगता है। तभी वहाँ पर क्लेयर और जिम भी आ जाते हैं। दूसरी तरफ क्लेयर और स्टीव ट्रेन पर रेडिएशन छोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं जिससे स्केल और बेलरोग की मैजिक पावर खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके लिए ट्रेन को रोकना पड़ेगा और इस काम के लिए टोबी और आर्ची को ट्रेन के कंट्रोल रूम में भेजा जाता है। लेकिन टोबी ऐसा नहीं कर पाता और उससे कंट्रोल टूट जाता है जिससे टाइम पर क्रेल और स्टीव रेडिएशन नहीं छोड़ पाते। दूसरी तरफ बेलरोग और स्क्रेल सब पर भारी पड़ रहे थे और वो लोग उनको रोक नहीं पा रहे थे और क्रेल और स्टीव फ्लाईओवर के नीचे से ट्रेन पर रेडिएशन छोड़ने की कोशिश करते हैं जो कि सिर्फ कुछ ही देर तक रहती है। बेलरोग जिम को ट्रेन के ऊपर ले जाती है और लड़ाई में जिम की शील्ड गिर जाती है और बेलरोग जिम को बहुत चोट पहुंचाती है और उसे फेंक देती है। पर क्लेयर जिम स्टीव की कार में एक शेडो पोर्टल खोलकर भेज देती है जिसके बाद ट्रेन फ्लाईओवर के ऊपर पहुंच जाती है और ओर्ग और टोबी ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ट्रेन को नहीं रोक पाते और ट्रेन फ्लाईओवर से गिरने वाली होती है। लेकिन वक्त रहते डुक्सी अपने मैजिक से फ्लाईओवर के आगे नई पटरियां बना देती है जिससे ट्रेन सड़क पर आ जाती है और अब ट्रेन एक मॉल के अंदर जाने वाली होती है तो ओर्ग ट्रेन को रोक देता है। सब ट्रेन से बाहर आ जाते हैं। बेलरोग नारी को ले जाने लगती है पर डुक्सी उसे पकड़ लेता है और कहता है कि वो उसे नहीं जाने देगा और वो नारी के साथ अपनी बॉडी चेंज कर देता है, जिसके बाद वो नारी को अपने साथ ले जाती है। सभी को अब पुलिस पकड़ लेती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है और उनसे सवाल करने लगती है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बताता। लेकिन टोबी सब कुछ सच सच बता देता है लेकिन पुलिस उस पर यकीन नहीं करती। इसके बाद वहाँ तीन लोग आते हैं जिसमें से एक का नाम टेरन होता है जो कि एक एलियन है और बाकी के दो रोबोट होते हैं। वो लोग पुलिस को कहते हैं कि वो CIA एजेंट हैं और उनके पास वारंट है उनको ले जाने का। लेकिन तभी एक आदमी जो कि एक रोबोट था वो खराब हो जाता है, जिसका पता पुलिस को लग जाता है। लेकिन नारी जो कि अभी डुक्सी की बॉडी में होती है वो एक फ्लावर पॉट से बहुत सारे प्लांट्स निकालकर पुलिस को रोक लेती है और टेरन उन्हें अपने उड़ने वाले महल में ले जाता है। सीन तभी जिम पर शिफ्ट होता है जिसकी तीन पसलियां टूट चुकी थी। उसके साथ उसकी मॉम बारबरा भी होती है। जिम का हौसला टूट चुका था क्योंकि बेलरोग ने उसे कहा था कि वो एमुलेट के बिना कोई हीरो नहीं है, जिस बात को वो अपने दिल पर ले बैठा है। उसके दिल को हल्का करने के लिए उसकी मॉम उसे बताती है कि उसने और वॉल्टर ने एंगेजमेंट कर ली है और वो अब शादी करने वाले हैं। दूसरी तरफ वहाँ टेरन की बहन अजा आती है जो कि सब एलियन की रानी होती है और उसके साथ एली भी होता है। अजा को देखकर स्टीव भागकर उसे किस कर लेता है और अजा उसे बताती है कि ये उनकी सातवीं किस थी और उनकी एलियन लैंड के हिसाब से उनके बच्चे होंगे। और सबसे फनी बात तो ये थी कि प्रेग्नेंट अजा नहीं बल्कि स्टीव होगा और तभी स्टीव प्रेग्नेंट हो जाता है, जिसके बाद उन सबकी मीटिंग शुरू हो जाती है और जिम भी मीटिंग ज्वाइन करता है। ब्लिंकी बताता है कि बेलरोग और स्केल नारी को इसलिए ढूंढ रहे हैं ताकि वो तीनों मिलकर जेनेसिस की मदद से अर्थ का पुनर्जन्म कर सके। इसका मतलब ये था कि वो विजेट अर्थ को तबाह कर देंगे और इसके बाद सब कुछ दोबारा से शुरू होगा। तभी हम देखते हैं कि स्केल और बेलरोग ने नारी को पकड़ा होता है और वो
जेनेसिस सिस के पास जाकर उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, पर कुछ भी नहीं होता क्योंकि नारी की बॉडी में तो डुक्सी था। जब बेलरोग और स्केल को इस बात का पता चलता है तो वो अपने मैजिक से डुक्सी का मैजिक तोड़ने लगते हैं, जिससे उसको बहुत तकलीफ होती है और दूसरी तरफ डुक्सी की बॉडी में से नारी निकलने लगती है। जाते जाते नारी कहती है कि ट्रोल हंटर 9th कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, क्रोनोस्फीयर ही बिगड़े को बनाएगा। ऐसा कहते ही डुक्सी की बॉडी से नारी चली जाती है, पर जिम कहता है कि वो अब कोई ट्रोल हंटर नहीं रहा क्योंकि उसके पास एमुलेट नहीं होता। अब अजा उसे एक एमुलेट देती है जिसको उन्होंने मर्लिन के एमुलेट जैसा बनाया होता है और उस एमुलेट में उसने अपने प्लेनेट का स्टोन डाला था। वापस आकर डुक्सी सबको बताता है कि बेलरोग और स्केल ने उसको कहाँ रखा था, तो वह बताता है कि वो जगह राउंड हाउस थी, यानी कि ट्रेन के बदलने की जगह, लेकिन ऐसी जगह नॉर्थ अमेरिका में बहुत थी। तो क्लेयर कहती है कि वो नारी से कनेक्ट होकर शेडो पोर्टल से वहाँ चली जाएगी और वो ऐसा ही करती है। राउंड हाउस पहुंचकर सब देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं होता। डुक्सी कहता है कि यह वही जगह है और उसे ट्रेन की पटरी पर एक पैटर्न बना हुआ दिखाई देता है जिसको वो अपने मैजिक से सोल्व कर देता है और तभी सारा रूम बदल जाता है और वो लोग देखते हैं कि बेलरोग और स्केल ने नारी को अपने जादू से काबू किया होता है और अब वो जेनेसिस सिस को एक्टिवेट कर रहे थे। सब लोग उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर उन तीनों के आसपास एक शील्ड बनी होती है जिस वजह से वो नाकाम रहते हैं। इसके साथ ही जिम का एमुलेट भी काम नहीं कर रहा था और इतने में जेनेसिस सिस एक्टिवेट हो जाता है और तीनों विजेट गायब हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ग्रीनलैंड में बर्फ का टाइटन निकलता है जिसको स्केल कंट्रोल कर रही थी, वहीं दूसरी ओर ब्राजील में से निकलते हुए टाइटन को नारी कंट्रोल कर रही थी और बेलरोग का लावा टाइटन चाइना से निकलता है। और अब वो तीनों एक पॉइंट के पास जा रहे थे जहाँ पर धरती का केंद्र है। ब्लिंकी कहता है कि वो धरती का केंद्र वहाँ पर है जहाँ ट्रोल्स का शहर आकर बसा हुआ है, यानी कि ऑर्किडिया। उन तीनों टाइटन के इकट्ठा होते ही सारी धरती का पुनर्जन्म हो जाएगा। इस बात पर अजा कहती है कि वो एलियन शिप बुलाकर सारी धरती के लोगों को उसमें बिठाकर किसी और प्लेनेट पर ले जाएगी। तो बाकी सब कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अर्थ एक बहुत खूबसूरत प्लेनेट है और वो लोग उसे तबाह नहीं होने देंगे। इसके बाद सब लोग लड़ने लग जाते हैं, तो जिम कहता है कि उन लोगों को इस सिचुएशन से लड़ना होगा और इसके लिए उन सबको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, जिसके बाद टोबी कहता है कि वो उस पर ट्रस्ट करता है। और अब बात ये थी कि जिम के एमुलेट ने काम क्यों नहीं किया। तब अजा कहती है कि इस एमुलेट में उसके लैंड का स्टोन है, पर असल में इस एमुलेट को चलाने के लिए उन लोगों को मैग्नेट का ही स्टोन चाहिए और वो एक्सकैलिबर एक तलवार में लगा हुआ है। तो जिम स्टुअर्ट और क्रेल को वो तलवार लेने के लिए भेजता है और क्लेयर और उसकी टीम को क्रोनोस्फीयर को ढूंढने भेजता है और बाकी सबको कहता है कि हम टाइटन से लड़ेंगे भले ही हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। अजा को इस प्लेन पर यकीन नहीं था, तो वो टेरेन से कहती है कि वो एलियन शिप को बुला ले ताकि अगर जिम का प्लेन ना काम किया तो वो सब लोगों को एलियन शिप में डालकर दूसरे प्लेनेट पर ले जाएंगे। फिर सब लोग अपनी अपनी टीम के साथ चले जाते हैं। सबसे पहले आर्ची अपने फादर के पास जाता है जो उसे कहते हैं कि क्रोनोस्फीयर एक ट्रोल ड्रैगन के पास है जिसका नाम जोंगशी है और वो हर वक्त क्रोनोस्फीयर में देखता रहता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं क्रोनोस्फीयर उसे मौत ना दिखा दे। चार्ली उसे नहीं ढूंढना चाहता, पर आर्ची कहता है कि इससे वो साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं और मेरे साथ ब्लिंकी भी चलेंगे, तो चार्ली मान जाता है क्योंकि ब्लिंकी को ऊंचाई से डर लगता था, इसीलिए चार्ली ब्लिंकी को बहुत डराता है। वो हांगकांग पहुंच जाते हैं और ब्रिज के नीचे से गेट बनाकर उसमें से चले जाते हैं जहां पर जोंगशी होता है। उसके अंदर जाते ही जोंगशी चार्ली को क्रोनोस्फीयर में देख रहा होता है और वो चार्ली का बहुत बड़ा दुश्मन होता है, इसीलिए गार्ड्स आकर उन सभी को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ डुक्सी, नमोरा और आर्ग नारी के टाइटन के पीछे होते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर कुछ भी नहीं होता। फिर एक वाइन डुक्सी को दूर फेंकती है, पर वक्त रहते ही आर्ग उसे पकड़ लेता है और बचा लेता है, जिसके बाद नमोरा नारी के पास पहुंच जाती है, पर नारी उसको अपनी पावर से वाइन में जकड़कर मार देती है। वहीं दूसरी तरफ जिम और टोबी अजा फोर्ट को ग्रीनलैंड में ले जाते हैं और स्केल के टाइटन को रोकने की कोशिश करते हैं, पर टाइटन पर किसी भी तोप के गोले का कोई असर नहीं होता। फिर अजा अपनी शिप में बैठकर उससे लड़ने जाती है, पर स्केल अपने ऊपर एक शील्ड बनाकर बच जाती है। बाद में वोल्टर जिम को एक रस्सी के जरिए टाइटन के पास पहुंचाने की कोशिश करता है, पर रस्सी की हुक निकल जाती है और जिम नीचे गिर जाता है। वोल्टर पकड़कर जिम को जमीन पर गिरने से बचा लेता है, पर इसमें उसके पंख बर्फ में जम जाते हैं। फिर वोल्टर जिम से बॉम्ब लेकर टाइटन के पास चला जाता है, जिससे कि टाइटन में एक ब्लास्ट होता है और टाइटन टूट जाता है, पर इसमें वोल्टर की जान चली जाती है, पर टाइटन दोबारा से जिंदा हो जाता है। इसके बाद अजा जिम और
टोबी को लेकर हांगकांग चली जाती है क्योंकि वो क्लेयर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। वहां पर वो देखते हैं कि फायर टाइटन ने तबाही मचाई हुई है और वो ब्रिज को तोड़ने वाला होता है। उससे लड़ने के लिए वर्वातोस नाम का एक एलियन एक बहुत बड़ा गन रोबोट लेकर आता है और वो बेलरो के टाइटन से लड़ने लग जाता है और गन रोबोट फायर टाइटन को मार देता है। पर फायर टाइटन फिर से जिंदा हो जाता है और वो गन रोबोट से लड़ाई करने लगता है, लेकिन गन रोबोट बहुत ही डैमेज हो जाता है और एंड में बेलरो टाइटन की मदद से गन रोबोट पर बहुत सारा लावा डाल देती है जिससे वो पूरी तरह से जल जाता है और वक्त रहते वर्वातोस बाहर आ जाता है। फिर फायर टाइटन ब्रिज को तोड़ने वाला ही होता है और अजक कहती है कि उन सबको वहाँ से चले जाना चाहिए, पर जिम क्लेयर को ढूंढना चाहता है और जिम और टोबी वहीं रुक जाते हैं और अजा वर्वातोस के साथ एक शिप में चली जाती है। जोंगशी ने चार्ली और बाकी सबको पकड़ लिया होता है क्योंकि वो जानता था कि वो सब उससे क्रोनोस्फीयर लेने आए हैं। इसके बाद सब लोग गार्ड से लड़ने लग जाते हैं और आर्ची जोंगशी से क्रोनोस्फीयर ले लेता है और वहाँ से भाग निकलते हैं, पर गेट के पास पहुँचते ही वहाँ जोंगशी आ जाता है और उनसे क्रोनोस्फीयर ले लेता है जिसमें वो देखता है कि उसके ऊपर बहुत सारी चट्टाने गिरने वाली है और होता भी ऐसा ही है, जिसके बाद वो उससे क्रोनोस्फीयर ले लेते हैं। फिर ब्लिंकी स्टोन से गेट बनाने लगता है तो स्टोन टूट जाता है। तब बाहर से जिम गेट बनाता हुआ देख लेता है और बाहर से स्टोन का हिस्सा लेकर के गेट पूरा कर लेता है, लेकिन इसमें जिम का हाथ जल जाता है। गेट के अंदर से क्लेयर और ब्लिंकी तो बाहर आ जाते हैं पर चार्ली को गार्ड्स पकड़ लेते हैं और साथ ही गेट बंद होने लगता है। आर्ची भी चार्ली को बचाने अंदर ही रह जाता है, पर तभी ब्रिज टूट जाता है, लेकिन क्लेयर शेडो पोर्टल से सबको बचा लेती है और रजा वहां आकर सबको शिप में ले जाती है और सब लोग आर्केडिया पार्क के पास पहुंच जाते हैं जो आर्केडिया से कुछ ही दूर होता है। अब किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्रोनोस्फीयर से सब कैसे सही होगा। तभी डुक्सी कहता है कि उसको नारी से बात करनी है जिससे कि वो नारी को विजेट के मैजिक से बाहर निकाल पाए। तभी जिम क्लेयर और डुक्सी शेडो पोर्टल की मदद से नारी के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर जाते ही बहुत सारे वाइंस उनके पास आ जाती है और उन्हें पकड़ने लगती है और डुक्सी नारी को होश में लाने की कोशिश करता है। इतने में उन्हें सारी वाइन पकड़ लेती है, पर तभी डुक्सी नारी का हाथ पकड़ लेता है जिससे नारी होश में आ जाती है। नारी फिर से उन लोगों को फिर से वही बात कहती है कि ट्रोल हंटर 9 कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, क्रोनोस्फीयर ही बिगड़ी को बनाएगा, लेकिन जिम को कुछ समझ नहीं आता। फिर क्लेयर स्केल के टाइटन को रोकने के लिए नारी के टाइटन को उसके पास ले जाती है, जिसके बाद स्केल और नारी के टाइटन में फाइट होने लगती है और नारी स्केल को पार से गिरा देती है। इसके बाद जब वो उससे लड़ने जाती है तो स्केल का टाइटन नारी के टाइटन के पेट में वार कर देता है और नारी भी स्केल के टाइटन के दिल में वार कर देती है, जिसके बाद नारी बर्फ में और स्केल वाइन में बदल कर मर जाते हैं और टाइटन वहीं रुक जाते हैं। तभी सब देखते हैं कि बेलरोग वाला टाइटन अभी भी आर्केडिया की तरफ आ रहा है। तब उन्हें पता चलता है कि ब्लिंकी ने बुक का एक पेज तो पढ़ा ही नहीं था जो कि फफून से चिपका हुआ था, और उस पेज से उन्हें पता चलता है कि सिर्फ एक टाइटन की मौजूदगी से भी आर्केडिया शहर के नीचे छुपा हुआ हार्ड स्टोन बाहर निकल आएगा और एक टाइटन के उसे हाथ लगाने से भी धरती का पुनर्जन्म होगा। इसके बाद वो सभी आर्केडिया पहुंचते हैं जहां क्रेल भी स्केलिबर वाली तलवार लेकर पहुंच जाता है जो कि एक पत्थर में गड़ी हुई थी। जिम उसमें से स्केलिबर को निकालने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता और फायर टाइटन उसकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था और जमीन से बहुत बड़ा हार्ड स्टोन भी बाहर आ गया था। जिम को लगता है कि वो ट्रोल हंटर नहीं है जिस वजह से वो तलवार नहीं निकाल सका। तभी वो एमुलेट की बैक साइड देखता है जिसमें वो सबके रिफ्लेक्शन देखता है और उसे पता चलता है कि वो सभी 9 लोग हैं और वो ही 9th कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बाद वो सबको पत्थर पर हाथ रखने को कहता है और फिर पत्थर में से स्केलिबर निकाल लेता है। स्केलिबर में जो उसे स्टोन मिलता है उसे वो क्रेल को देकर कहता है कि वो उसे एमुलेट में लगाकर ले आए। फिर सब वेन में बैठकर टाइटन को रोकने जाते हैं। टाइटन के पास पहुंचकर उन्हें एहसास होता है कि वो लोग उस पर चढ़ ही नहीं पाएंगे। तब डुक्सी अपने मैजिक से सबके हाथों और पैरों को मैग्नेट जैसा बना देता है, जिसके बाद वो सब टाइटन पर चढ़ जाते हैं, लेकिन टोबी ऐसा नहीं कर पाता और वो वेन पर ही चिपक जाता है। टाइटन के ऊपर पहुंचकर वो बेलरोग से लड़ने की कोशिश करते हैं, पर बेलरोग बहुत ताकतवर होती है और वो सबको हराकर टाइटन से नीचे फेंक देती है और अकेला जिम ही टाइटन के ऊपर रह जाता है। इसी बीच क्रेल एमुलेट में स्केलिबर का स्टोन डाल देता है पर वो एक्टिवेट नहीं हो रहा था। फिर बेलरोग जिम से कहती है कि वो अभी भी कमजोर इंसान है और सिर्फ अपने एमुलेट की वजह से हीरो बनता है। तब जिम कहता है कि उसे हीरो बनने के लिए उसे एमुलेट की जरूरत नहीं है और ऐसा कहते ही वो एमुलेट एक्टिवेट हो जाता है और जिम के पास आ जाता है।
करता है, जिसके बाद में वो एक ट्रोल हंटर में बदल जाता है और बहुत ताकतवर हो जाता है। वो एक्सकैलिबर सोर्ड लेकर उससे लड़ने लग जाता है, लेकिन इस बार बेलरो कमजोर थी। इतने में टोबी वेन लेकर टाइटन के पास आ जाता है, जिसमें रेडिएशन डिवाइस होता है। जिम बेलरो की छड़ी तोड़ देता है और जब वो बेलरो पर दूसरा वार करने वाला होता है तो बेलरो अपनी छड़ी से जिम के पेट में छड़ी भर देती है। पर इससे पहले कि टाइटन हार्ट स्टोन को टच कर पाता, रेडिएशन बेलरो के ऊपर आ जाती है और उसकी सारी शक्तियाँ चली जाती है। फिर जिम अपने एक्सकैलिबर से बेलरो को मार डालता है और ऐसा करते ही फायर टाइटन और हार्ट स्टोन टूट जाते हैं। सबको लगता है कि जिम मर गया है, लेकिन वो जिंदा बचकर आ जाता है, जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि स्टेव ने पूरे 7 बच्चों को जन्म दिया है। और जिम देखता है कि टोबी कहीं पर भी नहीं है, तो वो टोबी को ढूंढने जाता है। टोबी वेन में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और वो जिम से कहता है कि उसने उसे बहादुरी सिखाई है, जिसके बाद उसकी जान चली जाती है। जिम को फिर नारी की दूसरी बात याद आती है कि क्रोनोस्फीयर ही बिगड़ी को बनाएगा, और जिम क्रोनोस्फीयर को तोड़ देता है और उसमें से एक लाइफ जेम निकलता है। और सभी को नारी की बात से पता चलता है कि इस जेम से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और हम समय में पीछे चले जाएंगे, और ये सारी बातें सिर्फ ट्रोल हंटर को ही याद रहेगी। जिस पर डुक्सी कहता है कि इससे बात और ज्यादा बिगड़ सकती है, क्योंकि हमने बहुत मुश्किल से दुनिया को बचाया है। फिर ब्लिंकी कहता है कि हमने अपने इतने सारे दोस्तों को खोया है, इसीलिए ऐसा करने से सब चीजें अलग तरह से होगी। सभी एक दूसरे से गले मिलते हैं और फिर जिम उस जेम को एमुलेट में डाल देता है और वो एक्टिवेट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिम उस टाइम में पहुंच जाता है जब उसे सबसे पहली बार एमुलेट मिला था, लेकिन किसी को कुछ याद नहीं रहता, बस जिम को पता होता है। जिम अब सब कुछ अलग तरीके से करता है। वो टोबी को कहता है कि नहर के रास्ते से जाना। टोबी नहर के रास्ते से होते हुए जाता है जहां उसे एमुलेट मिलता है, और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।